73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा फहराया। इसके बाद देश के नाम संबोधन में उन्होंने 70 दिनों की बड़ी उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने देश के विकास के लिए कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के दूसरे कार्यकाल के 10 हफ्ते के भीतर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना और 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने जैसे कदम शामिल हैं। 10 हफ्ते के भीतर भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम, 10 सप्ते के भीतर भीतर हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना, आतंक से जुड़े कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करके उसको एक नई ताकत देने का, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संकल्प को और मजबूत करने का काम। पीएम ने की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाने की घोषणा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने सेना के 3 अंगों के प्रमुख के तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि CDS सेना के 3 अंगों के बीच तालमेल सुनिश्चित करेगा और उन्हें प्रभावी नेतृत्व देगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। जनसंख्या विस्फोट पर पीएम ने जताई चिंता। पीएम मोदी ने देश में जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जाहिर करते हुए लाल किले की प्राचीर से कहा कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए नई चुनौतियां पेश करता है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बेतहाशा बढ़ रही जनसंख्या के ऊपर चिंता जताई और कहा कि समाज का एक छोटा वर्ग जो अपना परिवार छोटा रखता रहा है वो सम्मान का हकदार है। हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा, हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। पीएम की देश से अपील, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में लोगों से प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करने और इससे दूर रहने का आग्रह किया। सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल कॉलेज हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो सिंगल यूज प्लास्टिक या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें, नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? आइए मेरे देशवासियों, हम इसको आगे बढ़ाएं और फिर
मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। जैसे हाईवे बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ऐसी बहुत सी विधाएं हो सकती हैं, लेकिन जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं, उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा। जल संकट को लेकर सरकार चिंतित। पीएम मोदी ने लाल किले से जल संकट पर गहरी चिंता जताई। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को गरीबी से बाहर लाने की दिशा में बहुत सफल प्रयास हुए। आजादी के 70 साल में बहुत सारे काम सब सरकारों ने अपने अपने तरीके से किए, लेकिन यह भी सच्चाई है कि आज देश में आधे घर ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमारी सरकार ने हर घर को जल कैसे मिले इस दिशा में काम करने की योजना बनाई है। इसके लिए मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि आने वाले दिनों में हम जल जीवन मिशन को लेकर आगे चलेंगे। जल संकट की चर्चा बहुत होती है, भविष्य जल संकट से गुजरेगा ये भी चर्चा होती है। उन चीजों को पहले से ही सोच करके केंद्र और राज्य मिलकर के योजनाएं बनाए, इसके लिए एक अलग जल शक्ति मंत्रालय का भी निर्माण किया गया है। हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टरों की जरूरत है, आरोग्य की सुविधाएं और व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, उसको पूर्ण करने के लिए नए कानूनों की जरूरत है, नई व्यवस्थाओं की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है, देश के नौजवानों को डॉक्टर बनने के लिए अवसर देने की जरूरत है। पीएम मोदी ने हर बार की तरह इस बार भी लाल किले से भाषण खत्म करने के बाद बच्चों से मुलाकात की। पीएम मोदी को अपने बीच देखकर बच्चे बेहद खुश हो गए और बच्चों की भीड़ से पीएम को निकलने में कमांडोज को काफी मशक्कत करनी पड़ी। When India declared her independence, बच्चे पीएम को अपने बीच पाकर उत्साहित थे और हर किसी में प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने की होड़ थी। पीएम ने भी बच्चों को निराश नहीं किया और बच्चों से हाथ मिलाया।